फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है मेरा बड़ा बेटा सारांश और छोटा बेटा विधान, और साथ में मेरे हस्बैंड भी हैं। ये लोग का क्या है कि अचानक प्लान बन गया कि चलो जाके बाहर खाते हैं थोड़ा चेंज के लिए। तो ये वहीं का वीडियो है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं नहीं हूँ, मैं घर पे ही थी। मेरा उतना मन नहीं था जाने का, इसलिए मैं नहीं गई। मैंने कहा कि आप सब जाओ, मैं घर पे बैठ के वीडियो बना रही थी। हाय, वेलकम टू माय व्लॉग। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ में बहुत बार फेस के लिए रेमेडीज़ लाई हूँ। बहुत सारी रेमेडीज़ मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है फेस के लिए, जैसे कि फेस पे कैसे ग्लो लाए, फेस को कैसे वाइट किया जाए, फेस को कैसे सॉफ्ट किया जाए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन फ्रेंड्स, आज मैं जो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ वो है फेस के नीचे नेक, गर्दन। होता क्या है ना फ्रेंड्स, कि हम लोग चेहरे की तरफ तो हमारा ध्यान बहुत रहता है कि फेस को कैसे सुंदर किया जाए, ऐसा क्या क्या किया जाए कि हमारा जो फेस है वो बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स, हम लोग फेस के चक्कर में जो अपना गला है इसकी तरफ हम ध्यान देते नहीं है। फिर बाद में हम रियलाइज़ होता है कि अरे, हमारा जो यानी गर्दन है वो फेस के कंपेयर में थोड़ा सा डार्क है। तो फ्रेंड्स, इसी के लिए आज मैं आप लोगों के साथ में एक रेमेडी लाई हूँ। तो फ्रेंड्स, होता क्या है ना, जैसे कि आजकल गर्मी है, धूप है, तो धूप की वजह से भी अपना जो नेक है वो थोड़ा डार्क हो जाता है। और बहुत बार क्या होता है, जैसे कि हमने कोई आर्टिफिशियल कोई चैन पहना है या ऐसा कोई स्टोन्स पहना हुआ है, तो इससे भी हमारा जो यानी नेक है वो थोड़ा डार्क यानी हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं कि जिनकी वजह से हमारा जो नेक है वो फेस के कंपेयर में थोड़ा सा डार्क हो जाता है, या बहुत बार क्या होता है कि साइड में ऐसा थोड़ा डार्क लाइन यानी आ जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के लिए मैं एक होम बेस्ड रेमेडी लाई हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके पहले कि मैं रेमेडी आप लोगों के साथ में शेयर करूं, तो मेरा आप सबसे पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस पोस्ट करती हूं तो आप लोग को इजीली मिल जाए। मैं इसी तरह से कुछ ना काम की वीडियोस ही लाऊंगी जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आप एक साफ़ सुथरा बाउल ले लें और उसमें आप एक स्पून दही ले लें, फ्रेश दही, ओके। और फिर उसमें आप डालें आधा स्पून जितना हल्दी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने हल्दी ले लिया और ये भी मैंने इसमें डाल दिया। और फिर आप इसमें एक चम्मच ले लें नींबू का रस। मैंने उसी स्पून से यानी हल्दी वाले स्पून से मैंने एक चम्मच ले लिया है नींबू का रस। ये भी आप डाल लें इसमें और अच्छे से इसे मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स, जब आप नहाने के लिए जाते हो उसके पहले आप ये जो है ना पूरे अपने गले पे अच्छे से आप लगा लें, और ये जब सूख जाए, ओके फ्रेंड्स, जब ये सूख जाए बिल्कुल यानी ड्राई हो जाए, तब आप इसे साफ़ पानी से अच्छे से धो लें। मतलब कि आपको यानी नहाना ही है, यानी आप नहा ले अच्छे से। फ्रेंड्स, इसके बाद जब आप नहा कर आते हो तो आप थोड़ा सा पैराशूट ऑयल ले लें, और उसमें 2 से 3 ड्रॉप ये विटामिन ई कैप्सूल का लिक्विड ले लें। दोनों को अच्छे से मिक्स करके अपने गले पे यानी कि नेक पे अच्छे से अप्लाई कर लें। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, कि आपका जो नेक है वो धीरे धीरे, मतलब कि थोड़े ही दिन में, 5 से 10 दिन में आपका जो नेक का रंग है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपके पास विटामिन ई का कैप्सूल नहीं है तो आप चाहे तो इसकी जगह विटामिन ई ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये रेमेडी बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपको 100% रिज़ल्ट आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।